हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मैं बना रही हूँ अद्विक के लिए लंच बॉक्स। लंच बॉक्स के लिए आज क्या है, आज है पास्ता मिक्स वेज वाला, मतलब जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे तो मैं नॉर्मली जनरली ना टमाटर और प्याज ही ऐड करती हूँ, ज़्यादा वेजीज ऐड नहीं करती हूँ। मुझे पक्का पता है जब भी मैं वेजीज ऐड करती हूँ ना, वो पास्ता पास्ता खा लेता है और वेजीज जो है वो ऐसे ही छोड़ के लाता है। आज भी बिल्कुल सेम वही चीज़ हुई, टिफ़िन में से ना उसने वेजीज जो है वो सेपरेट करके पास्ता ही खा लिया था। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जब उसके लिए पास्ता बनाऊँ ना, तो वेजीज को पूरा मैश करके, मतलब पहले कुक करके उसकी पूरी प्योरे बना के, उसका जो सॉस है वो बना के मैं पास्ता बनाऊँ, ताकि उस मतलब वो वेजीज एटलीस्ट उस टाइप से खा ले। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजीज जो है वो मेरे पास कैप्सिकम, टमाटर, एक गाजर और थोड़ा सा मैंने अनियन चॉप किया और गार्लिक। पास्ता को बॉईल करके रख दिया और वेजीज को जो है वो चॉप करके रख दिया। तब तक के लिए मैं यहाँ पे बैटर बना रही हूँ पैनकेक के लिए। ये एगलेस पैनकेक का बैटर है। मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना मैदा लिया, 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क, थोड़ा सा हाफ टी स्पून से कम बेकिंग सोडा, और मेरे पास पानी दूध ख़त्म हो गया था, तो मैंने पानी से इस मिक्स को ना घोल को मिक्स किया और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया था और 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड किया था। वनीला एसेंस या फिर एक्सट्रैक्ट है तो ऐड कर सकते हो, मैंने भूल गई थी जल्दी जल्दी में ये मतलब ऐड करना वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बैटर को मिक्स कर दिया, जितना मतलब पोरिंग कंसिस्टेंसी रहती है ना बिल्कुल उतना ही आपको पानी ऐड करना है। मैंने मतलब पानी मतलब दूध ऐड कर सकते हो, मेरे पास दूध ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मतलब जो पैनकेक में ना कलर नहीं आता है बैग से, और बहुत लोगों को ये मिथ भी होता है कि एगलेस पैनकेक में जो बैग का जो कलर है ना वो कुछ इस टाइप का आता है, जिस टाइप का अभी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना कलर, ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने जब ग्रीसिंग किया था पैन को तो ऑयल मैंने वाइप नहीं किया था। मतलब जब आप पैनकेक बनाते हैं ना तो ऑयल को हमेशा ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा वाइप किया करो टिश्यू पेपर या फिर कोई कपड़े से, तभी इसका कलर जो है वो बिल्कुल जैसे पैनकेक का या फिर डोरा केक जो कहते हैं ना उस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप के बता रही हूँ। ये तो यहाँ पे एक ये है जो पकता ज़रूर है ये, बट ना कलर जो है वो जैसा हमें चाहिए वो इसमें नहीं आता है अगर हमने पैन को ग्रीस करके वाइप नहीं किया ऑयल। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑयल को ग्रीस करके ना थोड़ा सा हल्का सा पैन को वाइप कर दिया था, वो शूट नहीं हुआ वीडियो में। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये एग वाले ही पैनकेक्स है। और ये पैनकेक्स में तभी कलर ऐसा आएगा जब आप पैन में ऑयल लगा के मतलब ग्रीस करके थोड़ा सा वाइप कर लिया करो ऑयल को, तभी ऐसा कलर आपका पैनकेक में आएगा। और हमेशा नॉनस्टिक पैन यूज़ किया करना जब भी आप पैनकेक बनाते हो। और यहाँ पे मैंने पैनकेक्स रख दिया था साइड में, और तब तक अभी हम पास्ता बना लेते हैं। तो पास्ता के लिए पैन में ऐड कर दिया था ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा बटर, और यहाँ पे चॉप किए हुए गार्लिक ऐड कर देंगे, और गार्लिक को हल्का सा रंग आने तक पका लेना है, और ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज जो है वो मैंने आधा ही मतलब ऐड किया, थोड़ा सा मैंने रख दिया था क्योंकि पास्ता की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसीलिए वेजीज भी मैंने उसी हिसाब से ऐड किया था। और सारे वेजीज भी अभी ऐड कर देंगे टमाटर के साथ, अगर आपके पास सिर्फ स्वीट कॉर्न वगैरह है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास है बट अभी मैंने ऐड नहीं किया, और थोड़ा सा 2 मिनट मैंने पका लिया था। उसके बाद सारे सॉसेस ऐड कर देंगे, जैसे कि केचप, थोड़ा सा पास्ता सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्का सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड नहीं किया क्योंकि अद्विक चिली फ्लेक्स के साथ ना उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है पास्ता, इस वजह से। और रेड चिली पाउडर जो है वो मेरे पास कम स्पाइसी वाला है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हल्की सी वो स्लरी सी आ जाए और थोड़ा सा सॉसी सा
हमारा जो पास्ता है वो बने। और यहाँ पे एंड में ऐड कर देंगे पास्ता के ऊपर थोड़ा सा मसाला मैजिक मैगी का, इससे टेस्ट जो है वो एकदम हाई लेवल पे, मतलब बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है और अद्विक को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस इसे मिक्स कर देंगे और आप चाहो तो चीज़ ऐड कर सकते हो, बट अगर टिफ़िन के लिए बना रहे हो ना पास्ता तो प्लीज़ चीज़ ऐड करके बच्चों को पास्ता या फिर कुछ भी चीज़ वाला मत ऐड करना। चीज़ जो है ना वो ठंडा होने के बाद एक तो रबर जैसा हो जाता है, प्लस जिस चीज़ में भी आपने चीज़ ऐड किया है ना उसकी टेस्ट भी जो है वो टेस्टलेस सी लगती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं अद्विक का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, उसके लिए मैंने पास्ता ऐड कर दिया और जो पैनकेक्स है उसमें मैंने बिल्कुल हल्की सी परत जो है वो न्यूटेला की लगाई थी पैनकेक में, ताकि ज़्यादा भी वो मतलब खाए ना, मतलब ज़्यादा न्यूटेला वगैरह अच्छा नहीं होता है। और पैनकेक भी मैंने बिल्कुल उसके हिसाब से छोटू छोटू से बनाए हैं। और यहाँ पे जो ये पैनकेक्स है ना बहुत अच्छे बनते हैं, आप ट्राई करना एक बार मेरे बताए हुए तरीके से। और सारे मेजरमेंट्स जो है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कितना या फिर कितना क्या मैंने इसमें ऐड किया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं अद्विक को स्कूल ड्रॉप कर दूँगी। और अद्विक को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आते आते दूध भी ला लिया था, और मेरे पास ना प्याज जो है वो ख़त्म हो गए थे तो प्याज भी ख़रीद के ला लिया और थोड़े से स्वीट कॉर्न भी ख़रीद लिया। तो और जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं जो थोड़े बहुत बच गए थे ना पास्ता उसे थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और जो वेजीज जो है वो जब पास्ता बनाते वक्त जो बच गई थी ना उसी को मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करके हल्का सा भून लिया था वेजीज़ को, और थोड़ा सा मैंने इसमें शेजवान चटनी ऐड कर दिया था। और आपके पास अगर शेजवान चटनी नहीं है तो पास्ता या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ब्रेड जो है वो दो निकाल लिया था, अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ। तो जो भी आपके पास वेजीज पड़ी रहती है ना, अगर आप बच्चों को टिफ़िन में या फिर लंच में कुछ बना रहे हो तो हल्की सी वेजीज जो है वो ज़्यादा चॉप करके रख दिया करो। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि स्पेशली क्या होता है मैं अपने लिए कभी कुछ बनाती नहीं हूँ जनरली ऐसे, मतलब आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है तो मैं आज ये बनाऊँ ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता है। और मैं ही नहीं, मतलब बहुत सी ऐसी होम मेकर्स हैं जो खुद के लिए कभी कुछ बनाती नहीं है स्पेशली, तो उसी में से मैं हूँ। और यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ की स्लाइस भी ऐड कर दिया था, और यहाँ पे बटर के साथ इसे रोस्ट कर लेंगे सैंडविच को अच्छे से दोनों तरफ से। और ये जो सैंडविच है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो भी वेजीज हो आपके पास स्पेशली कैप्सिकम टमाटर प्याज वगैरह हो तो और भी अच्छा लगता है। और चीज़ स्लाइड्स ऐड करने के बाद तो इसकी टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, और ब्रेड जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो गया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी, और इसके साथ मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, बट अगर चाय बनाती तो और ज़्यादा लेट हो गया रहता, इसी वजह से मैंने चाय वाय नहीं बनाया और सिंपली अपना सैंडविच और थोड़ा सा जो पास्ता था वो मैंने एंजॉय किया। पहले जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती थी ना तो मोबाइल लेके बैठती थी, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत थी। जो अभी मुझे 15 मिनट या फिर 10 मिनट लगते हैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करने में, तो पहले मुझे आधा आधा घंटा लग जाता था और काम जो है वो ऐसे ही डिले हो जाते थे। तो मोबाइल का जो एडिक्शन है ना वो मैंने कम इसलिए किया, मतलब कुछ मैं खा रही हूँ या फिर पी रही हूँ तो उसके साथ मोबाइल देखना मैंने छोड़ दिया। इसी वजह से अभी मेरे काम जो है वो थोड़ा सा आधा घंटा बोलो या फिर एक घंटा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और आफ्टर ब्रेकफास्ट अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें मुझे निकालनी या फिर हटानी है वो मैंने हटा दिया, और जो चीज़ें बिखरी हुई है उन्हें अभी मैं समेट लूँगी। तो सबसे पहले सोफ़ा का जो सारी मतलब सोफ़ा कवर्स है वो इधर उधर हट जाती है,
क्योंकि ये जो सोफ़ा कवर्स है वो फिटेड नहीं है, सोफ़ा फिटेड, इसी वजह से वो बार बार निकलता है। और यहाँ पे देख सकते हो टॉयज़ जो है वो अद्विक पूरे फैला के रख देता है, तो सारे समेट करके रख दूँगी मैं और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह लगा दूँगी। और जब भी मैं ये सब करती हूँ ना, मतलब मुझे समेटने में ही आधा घंटा चले जाता है। और आप लोगों को लगता होगा कि मैं ये सब मॉर्निंग में क्यों नहीं करती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं करके रख देती हूँ, अद्विक फिर से जब सो के उठता है तो फिर से सारी चीज़ें निकाल के वो खेलना उसका स्टार्ट हो जाता है। और बच्चे हैं तो उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि ये मत करो वो मत करो, इसी वजह से मैं ज़्यादातर उसे रोक टोक नहीं करती हूँ। एक्चुअली हमारा घर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही फैला फैला सा, थोड़ा सा उसके टॉयज़ जो है वो फैले फैले से दिखते हैं, बट मैं उसे बहुत बिल्कुल फोर्स नहीं करती हूँ दिखने के चक्कर में, कि बच्चे खेलना भी ज़रूरी है बच्चों का। और इसी वजह से लिविंग रूम में ना मैं ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ें, खासकर जो मतलब अगर हाथ लग गया बच्चों का और टूट कर गिर जाए, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ, वो मतलब वही रीज़न है। और बस वहाँ मैंने प्याज वगैरह भी जो भी अपनी अपनी चीज़ें हैं मैंने सब जगह पे रख दिया था। और लास्टली मैं अभी बना रही हूँ लंच, लंच के लिए मैंने दाल चावल बनाया, जब मैंने क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तभी मैंने दाल चढ़ा दिया था गैस के ऊपर, तब तक के जो दाल है वो पक के उसका स्टीम भी जो है वो निकल गया था। और एक टमाटर चॉप किया, दो हरी मिर्चें और कुछ लहसुन की कलियाँ। और ये जो दाल है ये बहुत सिंपल है बट बहुत टेस्टी लगती है गर्मा गर्म चावल के साथ, क्योंकि अद्विक को मतलब अभी मुझे पिक करने भी जाना है तो उसी टाइम पे मैं बनाती हूँ ताकि वो गर्मा गर्म अपना लंच मतलब दोपहर का खाना खा पाए। आने के बाद वो खाना खाता है, टिफ़िन में ज़्यादातर मैं उसे पराठा सब्ज़ी या फिर कुछ देती हूँ उसके मतलब मूड के हिसाब से, तो आने के बाद बट वो खाना खाता है दाल चावल सब्ज़ी चावल जो भी मैं बनाती हूँ, चावल ज़रूर खाता है वो आने के बाद। तो दाल को जो है वो मैंने हल्का सा मतलब छोका दे दिया था ज़ीरा राई गार्लिक और टमाटर और मिर्ची का, और ये जो दाल है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने हल्का सा इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और नमक, और ऊपर से मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था। और जैसे ही बॉईल आ जाएगा 2-3 मिनट में, मतलब बॉईल आने दीजिए दाल को और बस बंद कर देंगे। और दाल हो गई है तो मैं राइस भी जो है वो रख दूँगी, और राइस पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टीम राइस है, जल्दी ही पक जाता है। और राइस जैसे ही हो जाएगा तो मैं फिर से फ्रेश हो जाऊंगी, और फ्रेश होने के बाद मैं अद्विक को लेने जाऊंगी। और बस यही थी आज की मेरी वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करना। चलो बाय।